हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और वो भी किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से। सरकार की खिंचाई आज भी करनी है, क्योंकि जिसके लिए हमारी सरकार ने क्रिप्टो को बर्बाद किया वो भी बर्बाद हो गया। चलिए टॉपिक पे आगे बात करने से पहले, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो प्लीज इसको समझने के लिए जितना हो सके थोड़ा आगे तक देखिए। चलिए आगे बात करते हैं। LIC IPO, अब आपको शायद कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये LIC IPO ही था जिसके लिए सरकार ने इतने पापड़ बेले कि किसी भी तरीके से मनी का फ्लो क्रिप्टो की तरफ ना हो जाए। क्यों? अभी पीछे 17 तारीख को आईपीओ जो है लिस्ट हो चुका है LIC। इस 17 तारीख से पहले ही सारे सरकार ने जो काम क्रिप्टो के लिए बुरे करने थे वो कर दिए थे, सिर्फ इसीलिए वो खौफ और डर पैदा करने के लिए कि लोग जो है क्रिप्टो में पैसा ना लगाएं। अगर क्रिप्टो में पैसा नहीं लगेगा तो पैसा कहीं ना कहीं या तो इंडियन बैंक्स में आएगा या स्टॉक मार्केट में आएगा। स्टॉक मार्केट में आएगा तो सरकार का जो मुद्दा था वो था LIC IPO। तो इस LIC IPO को हिट करने के लिए, कि LIC IPO जो है क्योंकि सरकार की नाक का सवाल बन गया था, तो ये आईपीओ जो है हिट हो जाए। लेकिन साहब, ऊपर वाला तो देखता है, ठीक है आपको नहीं दिखाई देता पट्टी बांध रखी, लेकिन ऊपर जो बैठा है वो तो सब देखता है कि आप कर क्या रहे हो। तो साहब LIC IPO भी पिट गया। पहले ही सरकार ने जो है इतना सस्ता उसका जो प्राइस किया था वहीं से सब कुछ समझ में आ गया था गिल कि सरकार इसमें कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ कर रही है। LIC वो कहता है दुधारू गाय, सबसे प्रॉफिटेबल कहते इंस्टीट्यूशन सरकार का था ये, जो सबसे ज्यादा फायदे में है जिसमें कहीं कोई नुकसान नहीं। लेकिन सरकार ने उसमें जब हिस्सेदारी बेचने के लिए जब प्रपोजल ये लेके आए अपना, उसी दिन से कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। जबकि LIC के जो अपना टीम है, जो उनका एक तरह से क्या कहेंगे यूनिटी या कमेटी जो भी है, उन्होंने जो है उस टाइम मना किया था कि नहीं LIC में से आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन भाई सरकार है कर सकती है कुछ भी। फिर भी उन्होंने, सरकार ने सारे नियम कानून ताक पे रखे, 5% की जगह 3.5% उन्होंने जो है आईपीओ बेचने का फैसला कर लिया। जबकि एक नियम है 5% का, कम से कम आप 5% बेचिए, लेकिन फिर भी सरकार ने एक नया नियम बना दिया, 3.5% का जो है उन्होंने बेचने का प्लान कर लिया। तो अब थोड़ा सा मैं आईपीओ के बारे में आपको बता देता हूं। अब पहले ही इन्होंने जो अपना रिजर्व प्राइस रखा था स्टार्टिंग में वो था 949 रुपए का। पहले ही ये बहुत ही कम प्राइस था, जबकि कमेटी ने मना किया था। कमेटी ने कहा था कि कम से कम ये प्राइस 2000 के आसपास रखिए, लेकिन सरकार नहीं मानी, क्योंकि सरकार को भी ये पता था कि पैसा शायद नहीं आएगा, कहीं ये फ्लॉप ना हो जाए, पहले से डर था। और इसी डर की वजह से उन्होंने क्रिप्टो को जो है टारगेट किया था, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा आजकल जो है क्रिप्टो में जा रहा था। तो इसी वजह से क्रिप्टो को जो है ये टैक्स लगा, वो टैक्स लगा, TDS लगा, GST भी लगा, यानी सारी वो चीजें उसमें थोप दी। प्लस वो अपना ट्रेडिंग में सारी जो है एकदम फ्लॉप करवा दी, बैंकों में डिपॉजिट विड्रॉल सब बंद करवा दिया। उसकी वजह वही थी कि किसी भी तरीके से पैसा उधर क्रिप्टो में न जाके स्टॉक मार्केट में आए। अब स्टॉक मार्केट में भी आया तो क्या हुआ, डूब गए साहब। आपने क्रिप्टो भी डुबा दिया और जिसके लिए आपने पापड़ बेले वो भी डूब गया। अब आईपीओ जो है इन्होंने, फिर भी जो कमेटी थी उन्होंने मना किया था, लेकिन फिर भी सरकार ने जो है 949 रुपए पे इन्होंने उसका प्राइस रखा। तो उसमें 949 रुपए में भी जो पॉलिसी होल्डर थे उनको 60 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। उसके बाद जो और जनरल लोग थे उनको जो है लगभग 45 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। भाई इतना सस्ता देने के बाद उसके बाद भी डिस्काउंट क्यों भाई? ये फूफा थे, मामा थे, चाचा थे, क्या थे, क्यों दिया इनको डिस्काउंट? या तो आपने पहले जब कमेटी ने रिकमेंड किया था कि 2000 का इसका प्राइस रखो, तब तो आपने उसको 1000 से भी नीचे रखा, और उसके बाद भी तुम्हारे सब फूफा मामा चाचा ताऊ थे जिनको तुमने 60% और 45% डिस्काउंट दे दिया, क्यों दे दिया इनको ये डिस्काउंट? पहले ही सस्ती और उसके बाद और उनको डिस्काउंट। भाई एक तरह चलो वो समझ में आता है, जो पॉलिसी होल्डर है उनको आपने दिया, समझ में आता है कि वो पहले से भाई होल्डर है, पहले से उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उनको थोड़ा प्रॉफिट मिलना भी चाहिए, उनको थोड़ा वेटेज मिलना चाहिए। तो 60% वो 60 रुपए का तो बहुत होता है, आप रुपए 2 रुपए 5 रुपए दे देते। लेकिन जो जनरल को आपने 45 रुपए का डिस्काउंट दिया वो क्यों दिया? तो वो और कोई नहीं थे, वो सब इन्हीं के सब चाचा ताऊ मामा फूफा थे सब, जिनको ये 45 रुपए दिया। और उसके बाद भी जब ये लिस्ट हुआ है तो आज की डेट में 18 तारीख की बात कर रहा हूं,
प्राइस हो चुका है इसका 870 रुपये। इतना सस्ता, उसके बाद डिस्काउंट, और उसके बाद लिस्ट होते ही धड़ाम नीचे। क्यों? आपकी तो प्लानिंग इतनी अच्छी थी, आपके लिए तो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज है। आप तो स्टॉक मार्केट में ये कहते हो उसमें घाटा हो नहीं सकता। फिर आपका तो ये दुधारू गाय में से आपने बेचना शुरू किया और उसके बाद भी उसका तो प्राइस आपका नीचे आ गया। तो ये सब वही था, सब ड्रामेबाजी, बेमतलब की क्रिप्टो को फ्लॉप करने का। लेकिन क्या है कि वो कहते हैं कहीं ना कहीं आपने कुआ खोदा तो खाई में आप भी गिर पड़े। भाई आपको आईपीओ लाना था तो उसके बहुत से तरीके सिस्टम होता, उस तरीके से लेके आते। आनन फानन में कोई चीज ऐसे नहीं की जाती। पहले तो मार्केट का सेंटिमेंट देखा जाता है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, कब कौन सी चीज लानी चाहिए। जब मार्केट चौतरफा गिरी हुई है, हर तरफ से डाउन डाउन और डाउन ही है, उसमें आप आईपीओ लेके आ रहे हो तो आपने पहले से ही प्लान कर रखा था कि सब कुछ बर्बाद ही करना है। तो ठीक है साहब, आपको बर्बाद होना हो जाएगी, लेकिन हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी को आप क्यों बर्बाद कर रहे हो, और वो भी सिर्फ टारगेट करके। तो एक ये खबर है जो हमारी सरकार ने क्रिप्टो को बर्बाद करने के लिए, आईपीओ को आबाद करने के लिए सब किया था, लेकिन वो दोनों को ही बर्बाद कर बैठी है। और उसमें नुकसान किसका हुआ? वो हम और आप ही थे। क्रिप्टो में भी आप और मैं ही हूं, और आईपीओ में भी हमारे जैसे ही भाई हैं जो वहां भी जाके बर्बाद हो गए। तो ये है सरकार का गेम प्लान जो समय समय पे चलता रहता है, और उसमें पिसता कौन है? एक आम आदमी। चलिए, शायद पिसने के लिए ही बने हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। कोई नई खबर और आती है इस तरह की तो आप तक फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।